हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर देवांशु कुमार लाडला एंड आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाई थूजा इज कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। जब हम मैट्रियावट की बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है थूजा ट्री ऑफ लाइफ, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं कि उसे ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला गया। आम लोग भी बहुत अच्छी तरह से इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं थूजा को, और बहुत धड़ल्ले से इस मेडिसिन का यूज भी होता है बहुत सारे लोगों में। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि थूजा को ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला गया। तो पहले के समय एक बीमारी हुई थी, डेवलप हुई थी, जिसका नाम एस्कर्वी था। एस्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, जो आज हम लोग इसे भली भांति जानते हैं। एस्कर्वी जो प्रॉब्लम होता है, एक खासकर जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, हमारे बोन्स जो हड्डियाँ जो होती हैं, और हमारे बॉडी के टिश्यू जो होते हैं, ऊतकों जो होते हैं, उनको ये प्रभावित करता है। विटामिन सी की वजह से ये चीज़ें प्रभावित होती हैं, जिनके कारण ये एस्कर्वी की प्रॉब्लम बॉडी में डेवलप होती है। लेकिन उस समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि विटामिन सी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम एक महामारी की तरह फैल रही थी, महामारी ऐसी कि बहुत सारे लोग इससे डेथ भी कर रहे थे। लेकिन आज हमें पता चल गया कि इसके स्रोत बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स में इनके सोर्स मिल जाते हैं, लेकिन उस समय वैसी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। उस समय इस बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट था, बस प्रेयर करना, गॉड से प्रेयर करना। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक क्वालिटी फैक्टर का बॉडी से खात्मा नहीं होगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कोई बीमारी बॉडी से खत्म नहीं होती। चाहे आप कितनी भी दुआ कर लें, दुआ तभी काम आती है जब दवा बॉडी में जाती है, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो उस समय लेकिन इस बारे में पता नहीं चलता था, विटामिन्स की जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। उस समय का जो मेनली डाइट था, खासकर ये लोग मीट यूज़ करते थे, फिश यूज़ करते थे, तो इनमें विटामिन्स जो सी है वो प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाती थी। इसके जो क्वालिटी फैक्टर है, इसके बारे में स्पेनिश के लोगों ने जानकारी उनको मिल गई थी, उन्होंने इस चीज़ को खोज लिया था, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को शेयर नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि विटामिन सी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, इस कारण बहुत सारे लोग डेथ कर रहे थे। तब एक फ्रेंच के जैकोस कार्टर जो थे, वो कनाडा गए थे एक ट्रिप पे अपने बहुत सारे साथियों के साथ। कनाडा जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे ही ये गए थे, इनके कुछ साथी एस्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए, और उनमें से 25 लोग डेथ कर गए अचानक इस बीमारी के कारण, और वो खुद इस बीमारी से ग्रसित हो गए। लेकिन बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी जैकोस कार्टर ने हार नहीं मानी, अपने लोगों की सेवा में लग गए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब विंटर सीजन आ गया। विंटर सीजन में क्या हुआ कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो वहाँ पे उपलब्ध हो रहे थे, वो उपलब्ध होना वहाँ बंद हो गया, क्योंकि ठंडी में बहुत सारी ऐसी फलें होती हैं जो वेजिटेबल होते हैं, ज़्यादा ठंड में वो डेवलप नहीं हो पाती। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनकी और जो साथी थे वो डेथ करने लगे, और कुछ की हालत जो थी रिकवरी भी नहीं होने लगी। तो उसके बाद जब उन्हें कुछ हेल्प नहीं सूझा, उन्हें ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, तब उन्होंने अपनी हेल्प के लिए अमेरी इंडियंस को कहा। उन्होंने बोला कि उनकी हेल्प की जाए, उन्हें ऐसी कुछ चीज़ें भेजी जाए जिससे एक प्रॉब्लम को खात्मा कर सकें। तब अमेरी इंडियंस ने उन्हें एक हर्बल टी भेजा जिसका नाम था लोकल कॉर्निफेर, जिसे वो उस समय एनिडा के नाम से जानते थे, बाद में इसको थूजा नाम बोला गया। यही मेन क्वालिटी फैक्टर है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो उन्होंने अमेरी इंडियंस ने उन्हें हर्बल टी भेजा, हर्बल टी का नाम था लोकल कॉनिफेर। उस लोकल कॉनिफेर को उस समय एनिडा नाम के नाम से जाना जाता था, वही एनिडा जो नाम है उसको बाद में थूजा कहा गया। तो इस मेडिसिन के, इस हर्बल टी के उपयोग से जो स्कर्वी की प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगी, और जो डेथ कर रहे थे पर्सन जिनकी प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस थी, उनमें भी सुधार आने लगी। तब जैकोस कार्टर ने इसे एक मिरेकल प्लांट बोला, और इसका नाम दिया आर्बोवाइटी, जिसको आप इंग्लिश में इसे ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो यही कारण थे जो ट्री ऑफ लाइफ इसे क्यों बोला गया, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रॉब्लम जो एस्कर्वी की प्रॉब्लम थी, उस समय इस मेडिसिन के उपयोग के कारण वहाँ पे जो महामारी थी वो महामारी रुक गई, और जो लोग मर रहे थे उससे जीवित हो गए, इसलिए जैकोस कार्टर ने इसे एक मिरेकल प्लांट बोला, मिरेकल प्लांट। उसके बाद उन्होंने इसे आड़बो वाइटी बोला, जिसे हम इंग्लिश में ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो यही इसके पीछे मेन रीज़न था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप नए आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास ये पहले पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।